न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है उन सभी महिलाओं और वुमेन्स के लिए जो कि करवा चौथ पे अपने चेहरे को चमकाना और धमकाना चाहती हैं, और उन लोगों के लिए भी जो अपनी चेहरे की छाइयों से परेशान है। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने वाली जो आपको घर से ही मिल जाएंगी, और उन्हीं से हम अपने चेहरे को अच्छे से चमका पाएंगे और बहुत ही खूबसूरत हमारी स्किन दिखने वाली है करवा चौथ पर। तो किस बात का इंतजार है, तो जल्दी से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। इसमें मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ, मैं शॉर्ट्स वीडियो हमेशा डालती रहती हूँ ताकि आपको कुछ नई नई नॉलेज मिलती रहे। तो प्लीज जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हम अपने फेस को करवा चौथ पर किस तरीके से चमका दमका सकते हैं, वो भी घरेलू सामान से। हमें कोई पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी पार्लर में जाकर नहीं कराना, ना आपको ब्लीच कराना, ना आपको फेशियल कराना, सब कुछ आपको घर पे ही मिल जाएगा। मेरी इस वीडियो को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको हर चीज़ की नॉलेज यहाँ मिलने वाली है। साथ में आप अपने आप देखेंगे कि आप हर चीज़ों को अच्छे से घर में से ही यूज़ करके अपने चेहरे को अच्छा, सुंदर और बहुत ही खूबसूरत दिखाने वाले हो। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि हमें जो अपने इस चेहरे को दमकाने के लिए जिस सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो ये सब है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मुझे जो है कद्दूकस किए हुए खीरा चाहिए, और कद्दूकस किया हुआ आलू चाहिए वो भी एक। उसके बाद मुझे यहाँ पर चाहिए एक हाफ नींबू, साथ में थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, और साथ में हमें चाहिए यहाँ पे टमाटर का पल्प। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए आज के फेशियल के लिए। मुझे पता है कि आप सबको ये सारी चीज़ें घर में ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये है, ये हमने कद्दूकस किया हुआ आलू, और मैंने मुल्तानी मिट्टी ली थी, मेरे पास पेस्ट नहीं था, तो मेरे पास खड़ी वाली जो मुल्तानी मिट्टी वो थी, तो मैंने उसको भिगो लिया है पानी में। टमाटर का पल्प, और ये रहा हमारा खीरा, और साथ में हाफ मैंने लिया है नींबू। चेहरे को क्लिंजिंग करने का, तो क्लिंजिंग करने के लिए हमें खीरे की ज़रूरत है। यहाँ पर खीरा हमारे चेहरे को अच्छे से क्लिंजिंग करता है, तो सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर जो थोड़ा सा है, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा खीरा, तो इसको हम अच्छे से रब करेंगे अपने फेस पे। थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है, तो आप कोई भी कटोरी ले सकते हो। यहाँ मैंने एक कटोरी ले ली है, और इससे मैं अपने फेस को रब कर रही हूँ। क्लिंजिंग का काम करता है हमारा खीरा, बहुत ही अच्छा क्लिंजर है। और एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपने फेस पर मेकअप किया हुआ है तो आपके पास क्लिंजिंग मिल्क नहीं है, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप खीरा लीजिए, कद्दूकस कीजिए और चेहरे को रब कर लीजिए इस तरीके से, तो आपका जितना भी मेकअप है वो सारा का सारा निकल जाएगा। आप ये भी कर सकते हो, अदरवाइज आप कच्चा दूध भी ले सकते हो और नारियल का तेल भी ले सकते हो मेकअप को रिमूव करने के लिए। आपको इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट करना है, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। गाइज, जो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये होम मेड फेशियल भी आप कह सकते हो उसको, और मैं होम मेड आपको ब्लीच भी करना सिखाऊंगी आज इसी के साथ। जो है मेरा फेस अच्छे से क्लीन हो चुका है, तो मैं फटाफट से जाती हूँ और इसको पानी से वॉश करके आती हूँ, प्लेन पानी से, बहुत ठंडे पानी से नहीं, नॉर्मल पानी से ही इसको वॉश करके आते हैं। सो गाइज, फिलहाल मैं अपना फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा देखिए ब्राइटनेस फेस पे आ गई है। सिर्फ क्लिंजिंग करने से ही आप इतना ग्लो पा सकते हैं, वो भी करवा चौथ पे, आपको और क्या चाहिए, सब कुछ फ्री मिल रहा है। तो क्यों ना आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें, तो प्रॉमिस करें कि इस वीडियो को पूरी एंड तक देखेंगे और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाने वाले। तो चलिए, अब मैं आपको बताने वाली हूँ, मैंने फेस क्लीन कर लिया है, क्लिंजिंग कर ली है। सो गाइज, यहाँ पर मैं अपने फेस पर को करने वाली हूँ ब्लीच। यस गाइज, अगर अभी आप सोचने वाले हो कि यार अभी तो खीरे से फेस को क्लीन किया है और ये ब्लीच कैसे करेगी यार, नहीं, हम अब ब्लीच करने वाले हैं, और वो भी हम घरेलू सामान से, जो हमारी वेजिटेबल्स होती है उसी से ही हम प्राकृतिक रूप से हम अपने फेस को ब्लीच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लीच करने के लिए लेने वाली हूँ, ये देखिए आप देख सकते हो, ये लिया है मैंने पोटैटो का कद्दूकस लिया हुआ, आप देख सकते हो। पहले तो इसका जो रस है ना वो निकाल लेना है हाथों में, ऐसे आप, मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसे, या ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे चेहरे पे लगाना है ऐसे, और इसे आपने 1 मिनट के लिए चेहरे पर रगड़ना है। तो ये है हमारी प्राकृतिक रूप की ब्लीच जो हम फेस पे करने वाले हैं आज, और मैं कर रही हूँ, और आप, मुझे पता है कि आई एम श्योर आप भी करने वाले हो। तो जो जो करेगा ना ये सारी रेमेडी को अपने घर में यूज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता रहा हूँ। मुझे इस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना मेरी इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा प्यार करना, कम से कम 1000 लाइक ज़रूर करवा देना यार।
करवा चौथ पे बहुत ही सस्ता रेमेडी लेकर आई हूँ आपके लिए, तो यार और क्या चाहिए। सो गाइस फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने आपको अपने चेहरे का पूरा अच्छे से ग्लो दिखा दिया है, किस तरीके से मैंने जो पोटैटो से ही अपने चेहरे पर प्राकृतिक रूप से ब्लीच कर लिए है ना, ब्लीच वाला ग्लो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, अब हम क्या करेंगे, चेहरे को मॉइस्चर करेंगे। सो गाइस यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजर के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ मलाई, आप देख सकते हो मैंने मलाई ली है, आप देख सकते हो ये देखिए मलाई ली है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मलाई लें, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हमारे चेहरे को बहुत अच्छा सा मॉइस्चर देगी। तो इससे लेंगे और हम इसको 5 मिनट की मसाज करेंगे अपने फेस पर, और ये आपको डीप मॉइस्चर देगी अपने फेस पे और आपके चेहरे को लाइटन और ब्राइटन करेगी। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ये सब चीज़ें आपको घर पे ही मिलने वाली है मुझे आई एम श्योर पता है, तो आप इसको क्यों ना करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फटाफट इसकी मसाज करते हैं 5 मिनट के लिए, और मसाज के लिए जो तरीका है वो मैं आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ कि किस तरीके से करना है। आपने इस तरीके से मसाज करनी है, आप देख सकते हो, फिर यहाँ पर इस तरीके से मसाज करनी है, फिर आपने ये तरीका लेना है इस तरीके से, और फिर इस तरीके राउंड सर्कल करना है, आइस को इस तरीके से घुमाना है यहाँ पर, और फिर माथे पे इस तरीके से करना है। तो ये आपके चेहरे को अच्छे से डीपली मॉइस्चर कर देगी और आपके फेस को पे आपके फेस पे जो मलाई है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी स्किन पर, और आप खुद देखेंगे इसका इफेक्ट नेक्स्ट डे कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो करने वाली है यहाँ पर। तो यार प्लीज़ प्लीज़ इसको ज़रूर करना, करवा चौथ पर तो ज़रूर करना। गाइज यहाँ पे मेरी जो 5 मिनट की मसाज हो गई है, तो यहाँ पर मैं मलाई है तो आप हल्का गुनगुना पानी ले सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हो क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन में आप हल्का गुनगुना पानी अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हो। उससे क्या होगा, जो अच्छे से जो आपकी मलाई फेस पे से निकल जाएगी जो एक्स्ट्रा है, और जो अंदर चली गई है स्किन के अंदर वो तो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो मॉइस्चर हो चुका है फेस को, उसके बाद हम करने वाले हैं फेस की टोनिंग, फेस के ओपन पोर्स को टाइट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं टमाटर का इस्तेमाल करने वाली हूँ, टमाटर हमारी स्किन की जो बहुत सारी डार्क कलर्स की लेयर्स होती हैं उसको कम करता है, चेहरे को ब्राइटन एंड लाइटन करता है, डार्क स्पॉट को कम करता है, सनबर्न को रिमूव करता है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसको भी आपने 1 से 2 मिनट करना है और उसके बाद प्लेन पानी से वॉश कर लेना है। गाइस फाइनली हमारा जो है ये टमाटर का पल्प का यूज़ हो चुका है फेस पे, अब हम इसको ना वॉश कर देंगे प्लेन पानी से, और नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है यहाँ पर पैक। अगर आप लेना चाहे तो इस टाइप पे स्टीम ले सकते हैं, स्टीम लेकर अपनी स्किन के जितने भी ब्लैक हेड्स हैं तो उसको रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज को स्किप कर सकते हैं अगर आपके ब्लैक हेड्स नहीं है तो। और उसके बाद हम लगाने वाले हैं हमारा बहुत ही प्यारा सा पैक जो हम 2 मिनटों में तैयार करने वाले हैं, जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर और बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग दिखने वाली है। तो चलिए पहले वॉश करके आते हैं फेस को। आप देख सकते हो जो मेरे यहाँ पे थोड़ा बहुत जो सनबर्न और पिगमेंटेशन हो रही थी वो धीरे धीरे हल्की हो गई है, बहुत ही हल्की, क्योंकि मैं पहले से ही इस रेमेडी को यूज़ करती हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा इसको। तो चलिए पैक तैयार करते हैं। पैक तैयार करने के लिए ये मैंने बाउल लिया, इसके अंदर हमने लिया है पोटैटो का जो क्रश होता है वो लिया है, साथ में हम इसमें मिक्स करने वाले हैं खीरा, आप देख सकते हो इरा खीरा, तो खीरा भी मिक्स करेंगे यहाँ पर, और हमें यहाँ पर बहुत ही थिक लेयर वाला पैक तैयार करना है क्योंकि इसको हमें फेस पे रखना है। तो इसमें हमें क्या करनी है, सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लेनी है, और जो हमने टमाटर का यूज़ किया था वो भी हमें इसके अंदर डालना है। तो यहाँ पर मैं टमाटर भी डाल रही हूँ, आप देख सकते हो। अब मैं इसके अंदर मिलाने वाली हूँ मुल्तानी मिट्टी जो मैंने भिगो के रखी थी। नेक्स्ट हम इसमें सब कुछ मैंने मिला लिया है, इसके बाद मैं इसमें मिलाने वाली हूँ लेमन, तो हाफ लेमन लेना है आपको, मैंने जैसे कि बताया था। सो गाइस मैंने इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, तो अब इसको मिला लेते हैं अच्छे से। ये आप देख सकते हो इसको हैंड से आपको मिलाना होगा, जैसे कि मैं मिला रही हूँ यहाँ पर, तो इस एक तरीके का ये पेस्ट तैयार हो जाएगा फेस पे। तो उससे ये क्या फ़ायदा होने वाला है, एक तो ये हमारी स्किन को टाइट करेगी, साथ में ये हमारी स्किन के जितने भी फेस पे होने वाले पिंपल्स दाने वगैरह है उसको रिमूव करेगी, प्लस जो लेमन है वो आपकी छाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, डार्क स्पॉट एरिया के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, टमाटो है इसके अंदर,
जो आपकी स्किन को लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग करता है, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। खीरा है जो आपके डार्क स्पॉट होते हैं या डार्क सर्कल होते हैं उसको भी ये रिमूव करने वाला है। तो सोचिए इतनी सारी चीज़ें हैं यार, तो आप इसको क्यों नहीं करेंगे। तो ये हमारा जो है पैक रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो पूरा पैक रेडी हो चुका है। इसको हमें फेस पे इस तरीके से अप्लाई करना है, आप देख सकते हो ऐसे चेहरे पे रखना है, इस तरीके से, इस तरीके से आपने रखना है। और आपने इसको कम से कम 5 से 7 मिनट फेस पे रखना है, और फिर उसके बाद इसको रिमूव कर देना है और प्लेन पानी से वॉश करना है। तो चलिए चलते हैं, इसका पैक अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं रिजल्ट, फेस कितना ब्राइट सा दिखने लगा है यहाँ पर। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो कि मैंने अपना फेस जो है क्लीन कर लिया है, साफ कर लिया है, और उसके बाद का आप रिजल्ट देख सकते हो कि लग रहा है ना फेशियल वाला ग्लो और ब्लीच जैसी चमक। तो आप ये देख सकते हो, देखिए मेरे फेस पर लाइटनिंग पड़ रही है, आपको दिख रही होगी। ये देखिए कितनी अच्छी लाइटनिंग लग रही है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने फेस पे कोई भी मेकअप, कोई फिल्टर कुछ नहीं लगा रखा है। तो आप देख सकते हो, मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, आप ये देखिए कुछ भी नहीं है मेरे हाथ पे, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो कोई भी फिल्टर कुछ भी नहीं है। आप बहुत, मैं आपको बहुत पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो इतना अच्छा ग्लो यार आपको घर पर ही मिल सकता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और आपको और क्या ही चाहिए कि आपको सब कुछ घर पे बैठे बिठाए ही मिल जाए। तो आई होप आपको मेरी ये आज की फेशियल की वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा होममेड फेशियल जो है करवा चौथ स्पेशल और झाइयों के लिए कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपने वहाँ से लेकर यहाँ तक देखी है तो मुझे पता है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट में यस ज़रूर बोलना कि आपको ये मेरी वीडियो सच में पसंद आई। और आपको इस तरीके की और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर सकते हो। आपको किसी और कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लिए स्पेशली एक वीडियो ज़रूर तैयार करूँगी। और गाइज लास्ट के एंड में मैं सब्सक्राइबर ऑफ द वीक का नाम ज़रूर लेने वाली हूँ, तो एंड में आप ज़रूर देखिएगा कि वो इस बार का सब्सक्राइबर ऑफ द वीक कौन होने वाला है। क्योंकि मैं हर हफ्ते एक वीडियो ज़रूर लेकर आने वाली हूँ जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड हो सकती है, मेकअप से रिलेटेड हो सकती है, हेयर से रिलेटेड हो सकती है, और ड्रेसअप से भी रिलेटेड हो सकती है। तो यार करवा चौथ पे न्यू वीडियो आने वाली है मेकअप की और साथ में ड्रेसअप की, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस प्लीज़ लाइक कर दो, यहाँ तक के लिए मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने यहाँ पे अपने किचन से इकट्ठा करी है आपके लिए स्पेशली, आपको बताने के लिए, आपको बहुत सारा पैसा ना खर्च करना पड़े अपने ऊपर और वो सारी चीज़ें आपको घर पे ही मिल जाए, बहुत ही कम सामग्री से अपने फेस को अच्छे से चमका पाए करवा चौथ पर, और बहुत अच्छे से आप लोग करवा चौथ सेलिब्रेट कर पाए अपने पार्टनर्स के साथ। सो गाइज चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। बाय बाय दोस्तों।